ये देखिए खंबे से बंधे युवक रफीकुल को, ये बेरहमी से मारा गया, तड़फड़ा तड़फड़ा कर मारा गया, और वो भी दिन दहाड़े। जगह है भलसवा डेरी के ट्रक गोदाम का इलाका। यही इस गोदाम के पास रफीकुल बिजली के खंबे से बांधा गया है और इतना मारा गया आखिरकार मौत हो गई। दरअसल आरोप है कि यहाँ गोदाम में चोरी करने कुछ लड़के दिन दहाड़े आए तो एक ट्रक ड्राइवर ने देख लिया और गोदाम के लोग भागे, तो पांच लोग भाग गए। ये 23 साल का रफीकुल लोगों के हत्थे चढ़ गया और फिर गोदामों के आसपास के लोगों ने रफीकुल को इस खंबे से रस्सी के साथ बांधा है और इतनी पिटाई की जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाथ पांव से खून बह रहा है पर मारने वालों का दिल नहीं पसीजा और रफीकुल की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कुछ गलत था तो पुलिस को बुलाते, दो चार डंडे मार देते, इतनी ज्यादा पिटाई कर हत्या कर दी। हम तो यहाँ कुछ नहीं देखे, ड्राइवर को लैटरिंग लगा, ड्राइवर गया लैटरिंग करने के लिए, छह लड़का इधर से निकल के गया, छह लड़का निकल के गया, वहाँ दो पहुँचा जंगल में, उसको पानी में खूब उठा पटक खूब हुआ, जब तक वो गोपी वाला सारा भाग के आया, चौथ तरफ ड्राइवर देखा और सारा ड्राइवर भाग के आया, उनको पकड़ने के लिए तो सारा पांचों लड़का भाग गया, एक लड़का बचा उसको पकड़ के लाया। अब जो पकड़ के लाया तो मारना पीटने में तो जो ही आए इधर से आया वो मारना पीटने लग गया। पकड़ लिया कि चोर है, कुछ भी है, अगर कुछ भी गलती किया है तो कानून सजा देता ना, इन लोग क्यों सजा देगा। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने उनकी पैर की नसें काट दी, हाथ की नसें काट दी, और उसकी जब घरवाली बच्चा नहीं आया उसको अंदर ले जाएगा, उसका फोटो खींच के कह रहा तेरा भी रेप करूंगा, तू जाएगा तो फिर और खम्भे में बांध के सजा दे रहा है, उसको पैर का नशे वैसे सब काट दिया, पैर का नशे काट दिया, हाथ का नशे काट दिया, काट के मार दिया, और काट के यहीं पर कम से कम डेढ़ घंटा मार के बांध के रखा था। रफीकुल पास के ही इलाके का रहने वाला है और शादीशुदा है, इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस हादसे को देखकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, किस तरह लोग सरेआम कानून को हाथ में ले रहे हैं। अब ये चोरी करने आया था या नहीं, ये जांच का विषय है, पर यदि ये चोर भी था तो क्या हत्या कर देना सही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। एरिया में तनाव है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए अनिल अत्री के साथ लोकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।